Assalamu alaikum nazareen, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. I'm your host Aleena Haroon. Today we are in Amanah Mall. You can see that people are very excited. August is the month and people have a lot of joy that have been for August. So people are talking to them, they are asking them and they are very excited to see them. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Your name? Irish. Irish. क्या मतलब है इसका? सुबह की पहली किरण. अरे वाह, क्या करती हैं आप? मैं एयरफोर्स में. वाओ. ओके जी, तो यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं आई हुई थी लाहौर फैमिली के साथ एंजॉय करने आई. कहाँ की आप? मियां वाली की. जबरदस्त. सवाल करें आपसे. जी जी बिल्कुल. ओके, मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान में हर तीसरे मिनट के बाद क्या होता है? पाकिस्तान में हर तीसरे के मिनट में करप्शन. अरे नहीं, no idea. Oh, yeah. क्या शेयर करोगी? ब्यूटी टिप शेयर करूँगी. आओ. बेसिकली गर्ल्स के फेस पे पिंपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं यही कहूँगी गर्ल्स को स्पेशली पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें. मोस्टली गर्ल्स पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हैं, तो गर्ल्स को यही कहूँगी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके फेस पे पिंपल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ. एंड आपकी स्किन बहुत नीट होती है, किसी क्रीम वगैरह से नहीं होती. आप पानी ज़्यादा यूज़ करें, उससे आपकी जो स्किन है बहुत नीट हो जाती है. ज़बरदस्त. ये लीजिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. You welcome. जी नाज़रीन, इन्होंने बहुत अच्छी टिप दी और पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, तो पानी पीते जाएं जिससे अच्छी बात है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद. आपका नाम? नूर फातिमा. आपका नाम? अबू बकर. और इसका नाम? इसका नाम क्या है? अरूज फातिमा. ये आपकी क्या लगती है? पोती है. अरे पोती का नाम भूल गई. बस जहन में नहीं रहा. तो आप पहले तो हम इधर करीब ही रहते थे, हर रोज़ आती थी जाती थी. अब हम जा रहे हैं बैरिया टाउन, यहाँ रेंट पे रहते हैं. तो बैरिया क्यों जा रहे हैं? बैरिया ये वहाँ इधर से घर नहीं मिला, अब उधर रेंट पे लिया है. अच्छा अच्छा. हाँ जी, उधर जा रही. और खाने में पूछना चाहती हैं? अरे ज़बरदस्त. चलें जी, सवाल करती हूँ आपसे. ठीक है जी जी जी. मुझे बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो इनाम दिया जाता है सिविल, सबसे छोटा उसका नाम क्या है? मेरे बच्चे का क्या इनाम का क्या किसका? बच्चे का नाम नहीं, खाने का. अरे छोटो मीठी पाओ, क्या शेयर करेंगे? मैं शेयर ये करूँगी, खाने में आप पूछते हैं, उन्होंने कहा है, पूछे कि मैं बिरयानी अच्छी बनाती हूँ. बताएं कैसे बनाती हैं बिरयानी? उल्टाओ, पहले कौरमा बनाती हूँ, कौरमा बना के फिर उसका. कौरमा कैसे बनाती हैं? कौरमा ये बीच में बिरयानी वगैरह डाल के चिकन का वो बनाती हूँ, बना के टमाटर इससे ऐसी चीज़ें बना के स्पाइसी बना के फिर चावल उल्टाओ करती हूँ, करके फिर उसके पहले तह देती हूँ, फिर तह देती हूँ, अंडे डालती हूँ, खीरा डालती हूँ, नींबू डालती हूँ. अंडा भी डालती हूँ बिरयानी? मैं अंडे भी डालती हूँ, उबले हुए. हाँ, उबले हुए अंडे डालती हूँ. अरे वाह. ये करके इस तरह बनाती हूँ. खाने में माशाल्लाह कढ़ाई टिक्के सब कुछ आता है. अरे वाह, ज़बरदस्त. और चाइनीस भी आता है मुझे. अरे ज़बरदस्त. लेकिन हम आम लोगों का पेशा है ये है, हम लोग रहते ऐसे हैं क्यों, हमें गाँव के, तो हम लोगों में थोड़ा इस तरह का फैशन ये वो नहीं करते. यहाँ बड़ा अच्छा फैशन है, बड़ी प्यारी लग रही है. नहीं, थैंक यू. ये ले जी. सबसे प्यारी लग रही है. शुक्रिया. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. थैंक यू. जी नाज़रीन, बड़ी सादी सी आंटी थी, बड़ा मज़ा आया. हमने इनसे बात की और उनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा था कि उनमें कोई भी बनावट नहीं थी, वो बिल्कुल सच सच बात कर रही थी. बड़ा मज़ा आया किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. का नाम? सोनिया नवाज. क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कर रही, बीएड कर रही हूँ. ओके, सामने देखें, मुझे बताएं 14 अगस्त के लिए कैसा है माहौल आपके दिल में अभी? अभी से ही सब तैयारियाँ शुरू कर ली हैं, घर में झंडे वगैरह आपको पता है हर साल लगाते हैं, तो अभी से तैयारियाँ करना शुरू कर. लगाती हूँ झंडियाँ. हाँ जी, शुरू से बचपन से. अच्छा, किस चीज़ से चिपकाती हूँ उनको? आजकल तो वैसे ही मिलती हैं बनी बनाई,
पैक होता है उसी तरह फिर सजा लेते हैं। वो लगाते किसके साथ? वो धागे के साथ पहले ही सेट हुई होती हैं, अब उस तरह की मिलती है ना। अच्छा, पहले ही सेट होती है। अरे वाह, पहले तो बड़ा ड्रामा होता था उसको छुपाने, बहुत मुश्किल से गम वगैरह लगानी पड़ती थी, लेकिन अब तो धागे के साथ पहले ही बनी बनाई मिल जाती। वो एक होता था कि आटा पानी में मिला के लगा, वो बहुत पुराना, बचपन में ऐसे किया ट्राइड और वो बड़ा गंद मचता था उससे, बचपन में किया करते। चले जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? पूछे, पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? सबसे छोटा मुल्तान? नहीं, मैं ब्यूटी टिप शेयर कर सकती हूँ। बता रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा कोको पाउडर और हनी और लेमन और दूध में उसका गाढ़ा पेस्ट बना के अगर फेस पे लगाएं तो स्किन ग्लो भी करती है और शाइन भी करती है। जबरदस्त, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू, वेलकम। जी नाजिम, बामज़ा आया, हमने इनसे बात की और इन्होंने जो बताई रेमेडी जरूर ट्राई करेगा, किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? किंजा। क्या करती हैं? ब्यूटिशियन कर रही हैं। अरे जबरदस्त। अच्छा मुझे बताओ, ग्रीन ग्रीन 14 अगस्त के लिए पहना है? हाँ जी। अभी से जी, यानी कि बड़ी एक्साइटेड आप 14 अगस्त के लिए? हाँ जी, मैं अपने स्कूल में गर्ल गाइड रही हूँ, अपने स्कूल में गर्ल गाइड रही हूँ। अरे वाह। चलें जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है जी? मुझे बताएं, पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? सबसे छोटा शहर लाहौर। अरे क्या सुनाएंगे? नगमा। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जो जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जा, पाकिस्तान। जबरदस्त, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी नाजरीन, 14 अगस्त है, लोग एक्साइटेड हैं, किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम। क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ाती हैं? मैं पढ़ाती हूँ उर्दू। वाओ, ओके जी। मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान का कौमी तराना किस सन में मंजूर हुआ था? पाकिस्तान का कौमी तराना 1942 बनने से पहले ही मंजूर करवा लिया? नहीं, लिखा था लामा इकबाल ने था, नहीं अभी जलंधरी ने। क्या शेयर करेंगे? मैं रेसिपी आलू की भुजिया की। बताएं। पहले आलू को बॉयल करें और उसके बाद, वैसे तो आलू यानी कि हर तरह से वो उसकी वो बनाए जाते हैं, लेकिन आलू बॉयल करें और बॉयल करने के बाद उनको निकाल लें, फिर उसको नीम गरम नहीं ठंडे पानी से उसको गुजार के, और उसके बाद फिर आप उसमें थोड़ा सा काली मिर्चें, ज़ीरा, वो आप ऑयल गरम करें उसमें, उसके अंदर डालें और फिर ऊपर से आलू डाल दें, बाद में इमली का पेस्ट बना के वो उसके अंदर ऐड करें, थोड़ा सी चिल्ली सॉस और सोया सॉस डाल के, और हल्का सा उसको दम पे दे दें और फिर उतार के, और पुदीने की चटनी के साथ, और साथ आप चपाती, छोटी छोटी चपाती वो बनाएं और उसके साथ सर्व करें। अरे वाह, जबरदस्त। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गया। जी नाज़रीन, उन्होंने बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी बताई है, आलू वाली ज़रूर ट्राई करिएगा, इन्वेंशन होती है, किससे और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आपका नाम? शाल। शाल, कौन सी क्लास में आप? 1। जबरदस्त। चले जी, मुझे बताइए यहाँ पे कैसे आना हुआ? फॉर शॉपिंग से, एक आइसक्रीम खाने। चले मैं सवाल करती हूँ आपसे, ठीक है? मुझे बताएं, पाकिस्तान, ओके, पाकिस्तान के सबसे कम उम्र गवर्नर कौन से थे? अभी मोहम्मद सरवर नहीं हो सकते, कायदे कोस नहीं हो सकते, कम उम्र गवर्नर। चले जी, फोर्टीन अगस्त पे क्या करना है? इंशाल्लाह बच्चों को घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है, बड़ा फ्लैग लगाना है, बाइक पे फ्लैग लगाना है,
एंड अच्छी सी कोई रेसिपी ट्राई करनी है. चिकन मेरे ख्याल में जो ग्रीन चिकन हांडी है वो ट्राई करूँगी. अरे वाह, ग्रीन ग्रीन. और ग्रीन ग्रीन करूँगी और इंशाल्लाह अगर सही बन गई है और पिज्ज़ा तो बनाएंगे. अरे वाह, फैमिली के साथ एंजॉय. वाह, चलिए जो कोई अच्छी रेसिपी बता दें. चिकन टिक्का पिज्ज़ा भी बनाया था मैंने, फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया तो बहुत इट केम आउट टू बी रियली. बताएं कैसे? उसके चिकन के पीसेस बोनलेस कर लिए, उसके बाद 1 इंच से भी स्मॉल साइज के पीसेस काट लिए, देन उसके बाद चिकन टिक्का मसाला, लेमन जूस और लगा के ओवरनाइट मैरिनेट कर दिया, उसको फ्रिज में रख दिया. देन नेक्स्ट डे हमने डो बनाई है 1 kg मैदे में, 1 yeast का पाउडर, देन ल्यूकवॉर्म वाटर एंड देन 1 teaspoon ऑफ शुगर, 1 sachet ऑफ ईस्ट एंड वॉट एल्स एंड मिल्क पाउडर डाल के हमने उसे डो बनाई है. 2 hours हमने उसे रखा है. मेन वाइल हमने चिकन को कुक कर लिया है. चिकन को कुक करके देन जब वो डो रेज हो गई है देन उसको थोड़ा सा पंच करके उसकी फ्लैट सी वो लाइक ब्रेड बेल के उसको पिज्ज़ा मेकर में रखा. उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाया. सबसे पहले चीज़ की लेयर पिज्ज़ा सॉस की लेयर लगाई है, देन मोज़रेला और चेडर को ग्रेट करके उसके लेयर लगाई है. देन हमने वो किया है चिकन के पीसेस लगाए हैं, देन कैप्सिकम्स वेरी फाइनली चॉप एंड टोमेटोज एंड देन ऑलिव्स. ठीक है, ये लगा के हमने उसे थोड़ा सा दबा दिया एंड थोड़ा सा बटर का स्प्रे करके पिज्ज़ा मेकर को बंद कर दिया. 7 मिनट्स में या 8 मिनट्स में वो बेक हो गया. इट केम आउट टू बी रियली नाइस. अरे वाह, वेरी नाइस. ट्राई करना, बहुत अच्छा और बहुत जल्दी बनेगा डेफिनेटली. और आप क्या सुनाएंगी? शाम में देखो. सुनाओ शाम में देखो. ठीक है. 5 liter ducks and off one day. Lizards for away, mushrooms for quack. Rich and back. Oh no! Very nice. Lord News ki taraf se aapke liye gift. Thank you so much. जी नाजिन, बहुत प्यारी फैमिली थी, बड़ा मज़ा आया. हमने इनसे बात की, किसी और से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? जमीला आफ्ताब. महनूर आफ्ताब. फातिमा आफ्ताब. आफ्ताब हफीज. क्या करते हैं आप? सिविल इंजीनियरिंग नेस्पाक में. आप कौन सी क्लास? मैं 3 5th. आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ. ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? मेरी खाला ने दिया था. अरे खाला ने दिया था? खाला यहीं पर होती हैं जी, गुलबर्ग साइड. ओके, क्यों दिया था वैसे ही? बर्थडे थी. अरे बर्थडे थी, वाह. चले जी, मुझे बताएं कि पाकिस्तान हॉकी में गोल्ड मेडल कितनी बार ले चुका है? सॉरी, 3 बार. 3 बार. क्लैपिंग करें अपने लिए, क्लैपिंग करें. आप भी करें उनके लिए. चले मुझे बताएं, 14 अगस्त पे बेटा क्या करोगे आप? सेलिब्रेट करेंगे और मतलब अपने रिश्तेदारों के घर जाएंगे, उधर सेलिब्रेट करेंगे. वाह, अच्छा मुझे बताओ, फ्लैग वगैरह लगाते हो और झंडियाँ वगैरह घर में? जी लगाते हैं. जी लगाते. शौक है जी? मम्मा मना नहीं करती? नहीं. गुड. चले जी, क्या शेयर करेंगे आप? मैं मिली लिंग मसलाऊंगी. सूरज करे सलाम, चंदा करे सलाम. सूरज करे सलाम, चंदा करे सलाम. प्यारे पाकिस्तान, सब तुझ पर कुर्बान. प्यारे पाकिस्तान, सब तुझ पर कुर्बान. अल्लाह पाक बनाए रखे हम तू सबका मान. सूरज करे सलाम, चंदा करे सलाम. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट. थैंक यू. यू वेलकम जी नाजरीन. इन्होंने जवाब दे दिया, इंटरेस्टिंग सवाल था, किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम? शगुफ्ता यासीन. अयान यासीन. निमला याची. कौन सी क्लास में हो? 3 5. आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ. ओके, मुझे बताओ ड्रेस कहाँ से ली है? मम्मा ने चिया. मम्मा ने खुशी है. अरे वाह, जबरदस्त. ये मैं ले लूँ? ले लो, ले लो. पक्का? ओके. चले मुझे बताएं कि पाकिस्तान में हर 3rd मिनट के बाद क्या होता है? हर 3rd मिनट के बाद क्या होता है? पता नहीं. आई क्या शेयर करेंगे? रेसिपी बताएं. सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट की रेसिपी है कि 2 कप आटा लेके उसमें 1 अंडा और थोड़ा सा पानी डाल के उसमें प्याज चॉप करके, टमाटो चॉप करके और भी कोई वेजिटेबल, सीजनल वेजिटेबल्स डाल के उसके और एक
गाढ़ी सी ग्रेवी सी बना लेनी है और तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के और उसके अंदर वो ग्रेवी को तवे स्पून के साथ कर देना है। फिर जब वो एक साइड से पक जाएगी तो उसको पलट देना है दूसरी साइड पे और ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। बहुत हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए और बहुत मज़े की होती है। ओके वेरी नाइस आप क्या सुनाओगे? शेर सामने देखो। खुजी को कर बुलंद इतना कहर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाओ और आप? बुलबुल तो बच्चा अंडे तली तला खाता था टीचरी पीता था पानी खाता था दाने बुलबुल तो बच्चा मेरे चिलाने एक दिन अकेला पाता हुआ था माँ ने उड़ाया पापी ना आया। वेरी नाइस लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। जी नाजरीन बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हमें मिल रहे हैं 14 अगस्त की वजह से बहुत रश है किसी अस्पताल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनम। बेबी का नाम? मोहम्मद ताहा। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। क्या उम्र है इसकी? 2 इयर्स। यहाँ पे कैसे आना हुआ? शॉपिंग। क्या? इसके कपड़े और सम ग्रॉसरी आइटम्स। चले मुझे बताएं 14 अगस्त पे क्या करना है आपने? हमने अपने घर पे झंडे लगाने हैं और छुट्टी मनानी है। अरे जी चले जी सवाल करें आप। यस ऑफ कोर्स। मुझे ये बताएं आप कि वो कौन सा जानदार है जिसका सर कट जाए तो भी वो सरवाइव कर लेता है? नो आइडिया। रेसिपी हाफ मैंगो प्यूरी शेक। इसके लिए 1/2 kg मैंगो 1 cup शुगर 1 lemon और सम आइस। इस सब को ब्लेंड कर लें और एक मज़ेदार आइस वाला जो है एक मैंगो प्यूरी शेक तैयार। अरे वाह लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू। यू वेलकम। जी नाजरीन उन्होंने बहुत अच्छा शेक बताया, ट्राई करिएगा। जी नाजरीन टाइम हो गया एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।